नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दरअसल ये घटना है लगभग 4-5 दिन पहले की। थाना गोविंद नगर के डी गेट की रहने वाली अंजू, उम्र लगभग 20 वर्ष, जो अपने घर से कई दिनों से लापता थी। अंजू के घर वालों ने थाना गोविंद नगर में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, मगर 2 दिन पहले मथुरा यमुना पर बने महादेव घाट पर यमुना में तैरता हुआ एक शव मिला था, जिसकी चेहरे की स्थिति विचित्र हो चुकी थी, जिस कारण शिनाख्त नहीं हो पाई थी। मगर पास मोबाइल मिलने से इन सब की शिनाख्त अंजू डी गेट के रूप में हुई थी, जिस पर घर वालों को सूचना दे दी गई और परिजनों ने पहचान अंजू के रूप में की, जबकि थाना गोविंद नगर में मामला पहले से ही दर्ज था। वहीं सब मिलने के बाद परिजनों ने अंजू की हत्या करना बताया, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मगर पुलिस के रवैये से परेशान होकर आज परिजनों और काफी लोगों ने एकत्रित होकर गोविंद नगर पर हाथ में तख्ती लिए न्याय के लिए पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए थाने में घुस गए और थाने में घुसने के बाद नारेबाजी करने लगे। वहां रखी हुई कुर्सी और टेबल को फेंक दिया गया। पुलिस ने बमुश्किल से इन लोगों को काबू किया। थाने से निकालने के बाद चौकी डी गेट पर आकर रास्ता जाम कर दिया गया और न्याय के लिए चिल्लाने लगे। सड़क पर सभी महिलाएं धरने पर बैठ गई, वहीं ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि लड़की के हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, हमारी बेटी की हत्या हुई है और हत्यारे खुले घूम रहे हैं, जबकि पुलिस के ऊपर घूस का भी आरोप लगाया गया। बताया गया कि इसीलिए पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। जब मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाया गया, तब जाकर जाम खुला और कार्यवाही का आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। वहीं SP सिटी का कहना है कि 2 दिन पहले एक शव मिला था, जिसके चेहरे की स्थिति ठीक नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया है, जिस तरीके से इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा। थाने पर आप गिरफ्त करने आए, क्या वजह है इसकी? हमारी बेटी जवान बेटी के लिए हाथों से गिरफ्त कर ली थी इन्होंने और सारी मार जला जला के मारा है, डाल डाल के मारा है उन्होंने। किसने मारा? बेटी का हिसाब चाहिए इसी के। आप ये थाने में हंगामा करने किस लिए कर रही है? अपनी बेटी के लिए हिसाब चाहिए। जैसा कि आपने देखा, कल एक बच्ची की जो है लड़की की बॉडी यमुना मिली थी, उसका प्राइमा फेसी हम लोगों ने PM रिपोर्ट कराया और जो उन्होंने जिसमें आधार किया उसका हमने मुकदमा किया। उसमें 9 लोग नेम्ड हैं। इनका 18 तारीख को झगड़ा विवाद भी हुआ था। इनका यह कहना है कि इन लोगों के द्वारा उसकी हत्या की गई, लेकिन प्राइमा फेसी जब इन्होंने सूचना दी थाने को, उस समय इन्होंने बताया कि मेरी लड़की घर से नाराज होकर के चली गई है, किताब लेने के लिए घर पर गई है। शाम तक इन्होंने वेट किया, फिर इन्होंने थाने पे गुमशुदगी दी। उसमें किसी को निम्न नहीं किया। प्राइमा फेसी जो जांच की गई है उसमें अभी तक ऐसे कोई तथ्य नहीं आया है जिसके आधार पे हत्या के बारे में उस पर व्यू बनाया है। PM रिपोर्ट जो है उसमें क्लियर कट उन्होंने ये नहीं बताया है कि हत्या हुई है या हत्या नहीं हुई। जहाँ तक बॉडी के बारे में उन्होंने PM रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा है कि जो उसके चेहरे पे जो उसका चेहरा डिसअपीयर था वो वाटरली जो क्रिएचर है, जो जलीय प्राणी है, उनके द्वारा कराया गया। हम उसकी जो मोबाइल की कॉल डिटेल है उस पर कह रहे हैं, इसके साथ देखा गया है कहाँ पे लड़की वो गई है, क्या कोई साथ था या नहीं था, ये था CCTV पूरे देख रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाए कि उसके साथ अपराध कारित हुआ है। फिर भी जो परिवारजन के द्वारा तहरीर दी गई उसको हम बड़े संजीदगी से, बड़े गंभीरता से, बड़े संजीदगी से एक एक तथ्यों पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने जो पिता हैं परिवारजन, हमने कहा आप जो बातें हैं सब बातें लिखाइए, जिन पे आपको डाउट है उनकी तहकीकात करें और अगर अपराध कहीं से पाया जाता है तो बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो इन्होंने यहाँ पे गैर कानूनी काम किया है रोचा मिला, इस पर हम मुकदमा लिख रहे हैं
और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, इसकी जानकारी मुझे थाने पे लोग गए थे, यहाँ पे लोग आए हैं और जो भी कानून को हाथ में लगा सभी कार्रवाई करेंगे, इसमें कहीं कोई मरम्मत नहीं। नहीं, इस बात सर गलत।